नमस्कार दोस्तों ओमकार चौधरी शो में आपका स्वागत तेईस सितंबर शुक्रवार को सिनेमा डे और उस दिन मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने क्या किया हर फिल्म का टिकट मात्र पिछहत्तर रुपए कर दिया नतीजा पैंसठ लाख दर्शकों ने एक दिन में ही सिनेमाघरों का रुख किया और देखते ही देखते जो ब्रह्मास्त्र तीसरा सप्ताह आने की वजह से दो तीन करोड़ की कमाई पर पहुंच गई थी उसने दस करोड़ कमा लिए आरबाल की और सनी देओल की जो फिल्म लगी थी उसने चुप उसने भी अच्छी खासी कमाई कर ली पहले दिन तीन करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर ली एक फिल्म धोखा रिलीज हुई थी वो भी ठीक ठाक दर्शक देखने के लिए आ गए लेकिन इसके अगले दिन शनिवार को क्या हुआ शनिवार को ब्रह्मास्त्र भी चुप भी धोखा भी वहीं आ गई जहां आम तौर पर रही वजह क्योंकि शुक्रवार को नेशनल सिनेमा डे पर मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने को का रेट घटा करके बिल्कुल एकदम नीचे ले आए थे मात्र पिछहत्तर रुपए कर दिया जिन फिल्मों के टिकट ढाई सौ से कम तो है ही नहीं और ये सात सौ आठ सौ तक चले जाते हैं वो फिल्में अगर आपको पचहत्तर रुपये में देखने को मिल रही हो तो लोग चले जाएंगे मैंने कल भी अपने शो में कहा था कि अगर दो मित्र खड़े होकर के कहीं आइसक्रीम खाने लगे तो सौ सवा सौ रुपया डेढ़ सौ रुपया तो ऐसे ही उनके जेब से निकल जाता है पचहत्तर रुपये में अगर फिल्म देखने को मिल रही हो तो क्या ही बात है हमारे समय में यानी जब हम ये बाल सफेद नहीं हुए थे तब घटे रेट पर बहुत पुरानी फिल्में आती थी और उनको बहुत ही कम कीमत पर रिक्शे वाले खोमचे वाले बहुत जो गरीब तबके के लोग हैं वो भी आकर के देखते थे तो उनसे भी कमाई हो जाती थी आज भी अगर ये जो एक एक्सपेरिमेंट किया गया है नेशनल सिनेमा डे पर इसको अगर गंभीरता से लें प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स भी एग्जीबिटर्स भी जो फिल्मों के राइट्स खरीदते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो भी और जो इन फिल्मों में काम कर रहे हैं वो गीतकार भी हैं म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं वो कैमरा पर्सन भी हैं टेक्नीशियंस वग़ैरह चलिए उनको तो हम नहीं कह सकते कि आप अपनी फीस कम कर दीजिए क्योंकि उनकी फीस तो फिर भी रीजनेबल होती है लेकिन जो एक्टर हैं जो एक ही फिल्म का कितना कितना करोड़ ले लेते हैं किसी किसी के बारे में तो सुनते हैं कि एक ही फिल्म का वो सौ करोड़ तक ले लेते हैं किसी किसी के बारे में सुना है कि तीन सौ करोड़ तक लिया है तो ऐसे में क्या आलम बनता है और इनकी लागत कहां जाकर के बैठती है तीन खानों के बारे में तो आजकल ये सुन रहे हैं अक्षय कुमार के बारे में भी कि वो पहले ही अपनी हिस्सेदारी तय कर लेते हैं इतना प्रतिशत कमाई का हम लेंगे बाकी फीस नहीं लेते हैं तो ये हालत हो गई है आजकल के जो सो कॉल्ड सुपर स्टार या स्टार्स की है तो विवेक रंजन अग्निहोत्री जिन्होंने बहुत कम बजट में द कश्मीर फाइल्स बनाई और 2022 में जिनकी फिल्म जो है वो सुपर डुपर हिट हुई यानी जितनी लागत उन्होंने लगाई थी उसका भी दस गुना उसने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्ट करके पैसा वापस लौटा दिया यानी दस गुना पैसा लौटा दिया विवेक रंजन अग्निहोत्री ने तरण आदर्श का एक ट्वीट आया था नेशनल सिनेमा डे पर जो ये कलेक्शन हुआ और पैंसठ लाख दर्शक आए उस पर उन्होंने रीट्वीट किया उसे और रीट्वीट करते हुए उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा कि एक तो कम लागत यानी फिल्मों में जो ये कई कई सौ करोड़ रुपया फूंक दिया जाता है निर्माण पर ही कम कीमत में फिल्म बनाइए जरा अहंकार कम कर लीजिए जो स्टार फीस है उसको कम कर दीजिए जो पीआर वर्क किया जाता है और जो एयरपोर्ट लुक्स पर बर्बादी की जाती है जरा कम बर्बादी कर लीजिए ज्यादा रिसर्च करिए ज्यादा कंटेंट उसमें डालिए और उसको जरा भारतीय बनाइए विदेशों की नकल मत करिए और उन्होंने कहा कि ये सारी चूक हैं जिनकी वजह से फिल्में पिट रही हैं आप तो जानते हैं कोविड काल के बाद जब सिनेमा घर खुले पी वी आर और थिएटर वगैरह तो उसके बाद से कितनी फिल्में पिट चुकी हैं और बहुत सारे नामचीन कलाकारों की फिल्में पीटी हैं उनमें लाल सिंह चड्ढा से लेकर के सम्राट पृथ्वीराज रक्षाबंधन लाइगर धर्मा प्रोडक्शन की बहुत सारी फिल्में पिट गई और अब जाकर के ब्रह्मास्त्र ने थोड़ी राहत दी है धर्मा प्रोडक्शन को अगर इन आंकड़ों पर हम विश्वास करें जो आंकड़े बताए जा रहे हैं कि सब देश विदेश में कुल मिलाकर के 400 करोड़ कमा लिए हैं लागत इसकी बताई जा रही है 415 करोड़ तो मान लेंगे कि भाई चलो कुछ और राइट्स ये अभी देंगे तो ये तो अपनी कीमत निकाल ले रहे हैं लेकिन बाकी का क्या अभी सनी देओल की जो चुप रिलीज हुई है आरबाल की जैसे डायरेक्टर जिन्होंने चीनी कम पा इंग्लिश विंग्लिश इस तरह की फिल्में बनाई और काफी नामचीन डायरेक्टर है चुप का भी तीन दिन का कलेक्शन करीब करीब सात करोड़ के आसपास का है इसकी लागत ही वैसे दस बारह करोड़ है तो ये भी अपनी लागत निकाल लेगी तो इसको भी आप हिट मान सकते हैं जो फिल्म अपनी लागत निकाल ले उसको हम हिट कह सकते हैं और सनी देओल की तो, के तो बारे में फिल्म इंडस्ट्री में जो क्रिटिक्स हैं उनमें और पर्दे के पीछे से कुछ कुछ खेल होते रहते हैं जब ये फिल्म रिलीज हो रही थी तो तब कहा गया कि जी 11 फ्लॉप दे चुके हैं सनी देओल अब ये बारहवीं देखनी है कि ये भी फ्लॉप रहती है या चलती है तो ये एक दुष्प्रचार करना या करवाना किसी किसी के खिलाफ कैसा साहब ये तो फ्लॉप एक्टर हैं इनकी फिल्म तो चलनी ही नहीं है इस तरह का माहौल क्रिएट कर देना लेकिन वो तो तीन दिन में सात करोड़ तीस लाख के आसपास कमा चुकी है और अगर दस या बारह करोड़ में बनी है तो ये एक हफ्ता और सिनेमाघरों में रहेगी और उसके बाद जो इसके राइट्स वगैरह बिकेंगे उनसे तो ये अपनी लागत भी निकालेगी और और भी ज्यादा कमा लेगी तो जो इस समय चल रहा है ट्रेंड सिनेमा बनाइए मतलब सैकड़ों करोड़ फूंक दीजिए उसकी लागत पर ही सैकड़ों करोड़ फूंक दीजिए उसी की तरफ विवेक रंजन अग्निहोत्री ने इशारा करते हुए ये कहा है कि अगर बॉलीवुड को बचाना है तो उसका तरीका ये है कि जो स्टार्स की जो भारी भरकम फीस है उसको कम करिए और ये जो पीआर वर्क है इसको कम करिए यानी प्रचार वगैरह और भेंट पूजा के फिल्म को अच्छी बताओ जी दूसरे जो पीवीआर है आईनॉक्स है उनकी टिकट जो है कम करवाइए तो ये सारे सुझाव उन्होंने दिए हैं और अगर इन पर आत्म मंथन करे बॉलीवुड तो क्या जो मतलब बाकी चीजें तो आप जो इन्होंने कहा है कि भाई एक तो लागत कम करो अहंकार भी जरा कम कर लो कॉलर खड़े करके बात करते हो सीधे मुँह किसी से बात नहीं करते हो स्टार की फीस कम कर लो पीआर वर्क जरा कम कर लो ये जो एयरपोर्ट लुक पर बर्बादी की जाती है ये कम करो रिसर्च ज्यादा करो यानी ओरिजिनल कहानी लेकर के आओ ये रिमिक्स मत रिमेक मत बनाइए या नकल मत करिए ज्यादा बेहतर कंटेंट हो और उसमें भारतीयता हो अब आर 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 जो हमने देखी उसमें जो भारतीय संस्कृति है उसके आधार पर उस फिल्म को खड़ा किया गया और लास्ट के जितने सीन हैं उनसे भी ये पता चलता है कि जो दक्षिण के डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं एक्टर हैं वो ज्यादा देसी तरीके से फिल्मों को बना रहे हैं भारतीय संस्कृति से प्रेरित होकर के बना रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है यहाँ उल्टा हो रहा है यहाँ देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है और इसीलिए तो ये बाइकॉट का ट्रेंड चला जिसके लपेटे में लाल सिंह चड्ढा से लेकर के कई फिल्में आ गई तो इस पर अगर मंथन नहीं किया गया जो सुझाव विवेक रंजन अग्निहोत्री की तरफ से आए हैं तो यही हाल होता रहेगा जो हुआ है और 23 सितंबर का जो ये एक प्रयोग किया था मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने कि हम नेशनल सिनेमा डे पर टिकट की कीमत ही पचहत्तर रुपये रखेंगे आप पचहत्तर रुपये मत रखिए इसका दोगुना कर दीजिए लेकिन इसका चार गुना तो मत वसूल करिए क्योंकि कोई बहुत ही जिसके पास कोई दौलत आ रही हो वो तो सोच सकता है कि हम सात सौ आठ सौ रुपए का टिकट लेकर के चलिए देख लेते हैं लेकिन जो आम भारतीय दर्शक है उसको तो कम दरों पर ही टिकट उपलब्ध कराइए वरना बॉलीवुड को कोई नहीं बचा पाएगा अभी के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें कमेंट करें वीडियो को शेयर भी करें अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार